राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और एक युग पुरुष चिकित्सक हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो न केवल एक प्रसिद्ध टावरिंग डॉक्टर रहे बल्कि बंगाल के द्वितीय मुख्यमंत्री भी रहे, और उनके जो चिकित्सीय कार्य में जो उन्होंने उत्कृष्टता प्रदान की, जिस तरह के जो चिकित्सक हो रहे हैं, बहुत सारे जो है उन्होंने आयाम स्थापित किए चिकित्सा जगत में, राजनीतिक जगत में, एक शिक्षाविद के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते, उनके जन्मदिवस को हम लोग जो है डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन हम तमाम भारत के चिकित्सकों का हम मुबारकबाद देना चाहते हैं, शुभकामनाएँ देना चाहते हैं कि जिस तरह से 24x7x365 दिन पिछले एक साल से जिस तरह से हमारे चिकित्सकों ने जान की बाजी लगा करके दिन रात मेहनत करके जिस तरह से कोरोना में चिकित्सीय सेवा दिया, बहुत लोगों की जान बचाई, वह काबिले तारीफ है। और जबकि आज जो है दूसरी लहर रिसीड कर रही है, घट रही है, लगभग कम हो गई है, इस समय जो है मरीज जो है सब क्लिनिक और अस्पताल में फिर से आने लगे हैं, हमारा कर्तव्य है कि एहतियात बरतते हुए, डबल मास्क पहनते हुए, पीपीई किट भी जहां जरूरत है पहनते हुए मरीजों को भरपूर सेवा दें। क्योंकि बहुत सारे मरीज जो है अगर इस समय पोस्ट कोविड सिम्टम्स लेकर के भी आ रहे हैं, किसी को छाती में दर्द है, किसी को खांसी है, जो कोविड से पीड़ित हो चुके हैं उन लोगों को मरीज को भी अभी चिकित्सा सेवा की जरूरत है। और जो कोविड से नहीं पीड़ित हैं, बहुत सारे रोगी इंतजार कर रहे थे इस अवसर का, हमें इस अवसर का लाभ देना चाहिए एज ए डॉक्टर और एज ए सेवा करने वाले जो है रूप में। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जो है तमाम चिकित्सकों को इस डॉक्टर होने के नाते मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना के सिलसिले से लोग डॉक्टरों ने मेहनत की, अथक मेहनत की, ठीक है कुछ लोगों ने दरवाज़ा भी बंद कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ तबका बहुत मेहनत किया, बहुत रिस्क लिया, और अब देख रहे हैं कि डॉक्टर लोग बहुत सारे जाँ बहक यानी बेचारे शहीद भी हो गए। मैं ये बात कहूँगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है, सिर्फ डॉक्टर ही अंधक मेहनत करे और पब्लिक उसकी अप्रिसिएशन न करे, ये कहाँ तक जायज़ होगा। तो मैं अपने इलाके में भी देखता हूँ कि कोई नया डॉक्टर बैठता है अगर, तो सारा एफर्ट डॉक्टर कर रहा है, समाज उसको जरा सा भी प्रोत्साहन देने के लिए बढ़ता नहीं है। तो आज इस डॉक्टर्स डे के सिलसिले से मैं दो बात जरूर कहूंगा कि समाज को दोबारा सोचना पड़ेगा, अगर डॉक्टर आपकी जान बचाने की अंतक कोशिश कर रहा है तो आपकी भी बराबर की जिम्मेवारी है कि उनको अप्रिशिएट करें, उनके अच्छे बुरे में आप सहयोगी बने। और अपने इलाके में आने वाले जो डॉक्टर हैं या काम करने वाले डॉक्टर हैं जो आपके इलाके के हैं, उनको उनसे इतने अच्छे रवाबित रखें कि ताकि वक्त जरूरत पर आपके वो काम आ सके। आज स्वर्गीय डॉक्टर विधान चंद्र राय को उनके जन्मदिन पर कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हम उनका जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज सर्वप्रथम उन शहीद चिकित्सकों को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर इस कोविड महामारी में मानवता एवं समाज की सेवा करते हुए खुद को न्यौछावर कर दिया। ईश्वर सभी शहीद चिकित्सक के परिजनों को संबल एवं पुण्यात्माओं को सद्गति प्रदान करें, यही प्रार्थना है। सभी चिकित्सक बंधुओं को बधाई जो अपने कर्तव्य पथ पर निडरता से आगे बढ़ते हुए मानवता एवं समाज की अनवरत सेवा में लगे हुए हैं। उन तमाम रोगियों एवं परिजनों को मैं साधुवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस महामारी में धैर्यपूर्वक हमारा साथ दिया, हमारी मजबूरियों को समझने की कोशिश की एवं हमारा हौसला अफजाई किया। इस महामारी में बहुतों ने अपनों को खोया है। सभी दिवंगत को श्रद्धांजलि एवं उनके परिजनों के प्रति हमारी सहानुभूति। डॉक्टर्स डे की शुभकामनाओं के साथ मैं सरकार, प्रशासन,
एवं जनसामान्य से विनयपूर्वक आग्रह करूंगा कि वे चिकित्सा कर्मियों को भयमुक्त वातावरण एवं उचित सम्मान दें, जिससे कि हम अपनी सेवा जारी रख सकें, उसे बेहतर बना सकें, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। और अंत में, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, कोविड नियमों का सख्ती से अनुसरण करने की एवं स्वसमय टीका लेने की आप सबों से प्रार्थना करता हूँ। एक बार फिर से राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस अभी कोरोना के सिलसिले में जो आपने सवाल पूछा है, इसमें बात तो बिल्कुल सही है कि सोसाइटी में डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत किया है, बहुत लोगों की जान डॉक्टर्स के मेहनत की वजह से बची है और लोगों ने बहुत कुछ किया भी है डॉक्टर्स के लिए, बहुत कुछ किया भी है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई है लोगों की तरफ से और डॉक्टर्स की तरफ से भी, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसके बारे में भी बहुत लोगों को बहुत कुछ पता भी नहीं है। दूसरा, ये तीसरा वेव भी आने वाला है, तो अभी मेरा सोसाइटी को यही मैसेज रहेगा कि लोग अभी भी अलर्ट रहें, डॉक्टर्स के एडवाइस को सुने या गवर्नमेंट के जो भी एडवाइस है उसको सुने और रिलैक्सेशन पूरी तरह ना हो, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो पिछले इस कोरोना सेकेंड वेव में लोगों ने देखा कि वो एडिक्वेट नहीं है। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हम बहुत से अपने पेशेंट्स को खोए हैं, जिसकी बहुत सारी वजह है, उसमें डिटेल्स में ऑक्सीजन की कमी और दवा की कमी और ये सब तो खैर सारे लोग जानते हैं, लेकिन अभी प्रिकॉशन लेना ही सबसे अच्छा है और जो इनकमिंग थर्ड वेव है उससे बचने का एक यही रास्ता है। लोगों के पास यही मेरा मैसेज है। आज डॉक्टर्स डे है, यह दिन जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय उनके स्मृति में मनाया जाता है, उनका जन्मदिन और उनका मृत्यु दिवस दोनों 1 जुलाई को ही पड़ा था, तो IMA ने यह डिसीजन लिया कि इस दिवस को डॉक्टर्स डे और हेल्थ वर्कर्स डे मनाया जाए। आज के दिन हम सभी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जो दिन रात तत्पर होके और निस्वार्थ भाव से और सभी मरीजों की सेवा करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हौसला प्रदान करते हैं कि हम लोग पूरी लगन के साथ, तत्परता के साथ मरीजों की सेवा कर सकें। आज के दिन हम लोग चाहते हैं कि मरीजों में हमारा विश्वास बढ़े। पहले से जो विश्वास हम लोगों का चला गया था, सभी से अपील है कि कृपया फिर से इस विश्वास को बढ़ावा दें। हम लोगों अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा में ही लगा दिए हैं और आगे भी चाहते हैं कि अगर हमारा हौसला अफजाई करिए तो हम लोग आगे भी इसी तरह से पूरी मेहनत और लगन से, निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते रहें। साल की तरह इस साल भी हम लोग डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोग खोए हैं जिसमें कि हमारे देश के भागलपुर समेत देश के कुछ प्रतिष्ठित चिकित्सकों को हम लोग खोए हैं, जिसके लिए हम उनको नमन करते हैं और हम कामना करते हैं कि उनके परिवार को शक्ति मिले। एवं हम लोग तो अभी इस महामारी काल में हम लोग सेवा दे रहे हैं, सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन कुछ फर्ज आप लोगों के भी है कि इस कठिन काल में जिस तरह से कोरोना वायरस अपना वेरिएंट बदल बदल कर आ रहा है, बेस बदल बदल के आ रहा है, इस कठिन स्थिति में अपना हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन के साथ साथ ये मत सोचें कि वैक्सीन ले लिए तो हम सुरक्षित हैं, अभी कोरोना गया नहीं है और इस स्थिति में जो हम लोगों का जो अभी पालन किया जा रहा है कोरोना काल में, मास्क अवश्य पहने, भीड़ वाले जगह में जाने से ज्यादा बचें और कहीं से भी बाहर से आए तो अपनी हाथ को अच्छी तरह से साफ करें। इसी के साथ हम फिर से डॉक्टर्स डे पर हम देशवासियों को बधाई देता हूँ। आज 1 जुलाई जो राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे बोल के मनाया जाता है, इस पे मैं देश के तमाम डॉक्टरों को बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं पब्लिक से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि कोरोना की लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, बहुत लोग डरे हुए हैं कि वैक्सीन से ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत फहमी फैली हुई है।
मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लोगों से कि वैक्सीन लें, वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट और हार्मफुल नहीं देखा जा रहा है। और देखिए हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है, लेकिन हम ये सोच के अगर वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम थर्ड वेव से लड़ने के लिए कैसे तैयार रहेंगे। तो हमको थर्ड वेव से लड़ना है और उससे उभर कर निकलना है, क्योंकि इस बार देखा गया है कि सेकेंड वेव में बहुत लोगों ने जान गंवाई, हमारे देश के कितने 100 डॉक्टर ने अपनी जान गंवाई है। तो ये चीज हमको आगे देखना है कि थर्ड वेव से हम लड़े और इससे निकल जाए। और वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, अभी तक हमारे कॉलेज मायागंज अस्पताल में वैक्सीन चल रहा है और हमने भी वैक्सीन लिया है दोनों डोज, हमारे पूरे परिवार ने लिया, हमारे पूरे स्टाफ ने लिया है, किसी को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो कृपया वैक्सीन लें और आगे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और कोविड से बचने के लिए जो परहेज है वो फॉलो करें, उससे हम इस थर्ड वेव से जूझ के आगे निकल सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डॉक्टर्स डे पे तो मैं सभी डॉक्टर्स को जो हमारे इस कोरोना काल में जिन्होंने अपने जान पे खेल के लोगों की जान बचाई है, उन डॉक्टर्स के लिए सम्मान प्रकट करना चाहता हूँ और हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स डे पे हम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर इस कोरोना काल में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके लिए असली श्रद्धांजलि वही होगी कि अगर हम सब वैक्सीनेशन लेते हैं और इस वैक्सीनेशन लेकर के हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी और जिन डॉक्टर ने शहादत दिया अपन उनके लिए भी सम्मान होगा और इसी तरीके से हम सभी की जान बचाया जा सकता है। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, ये 1991 से डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्मदिन के दिवस पर इसको मनाया जाता है। मैं सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूँ और उन सभी डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई। फ्रंटलाइन वर्कर्स को श्रद्धांजलि देता हूँ जो कोरोना काल में अपनी सेवा दिए और उस सेवा के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार को नमन करता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर करवा लें अपना, सभी वर्ग के लोग को वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। और अभी तीसरा चरण आने का संकेत ऐसा मिल रहा है, उसको लेकर काफ़ी सचेत रहें, मास्क पहनें, डिस्टेंस का पालन करें और हाथ को रेगुलर सैनिटाइज करें।